नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस सिद्धबली विहार नजियाबाद में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन सिद्धबली विहार कॉलोनी में के पार्क में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सैनिक मनोज कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सभी वर्ग के बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से सिद्धबली विहार के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम के उपरांत प्रथम व द्वितीय स्थान पर भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। तो आप एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ जो वो ऐसी चीज है कि आपको उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि हमें देश के लिए कुछ ऐसा करना। हमने भाग लिया था। मेरा नाम कृति आर्या है, मेरे पापा का नाम मनोज कुमार है, हम सिद्धबली विहार कॉलोनी में रहते हैं। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में मेरे पापा ने यहाँ पे खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिसमें काफी बच्चों ने भाग भी लिया था और धरा हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, पर्यावरण स्वच्छ करने को। मना रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे भूतपूर्व सैनिक श्री मनोज कुमार जी का, जिस सिद्धबली पार्क को इन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को इसकी नींव रखी थी, इसका सौंदर्यकरण किया था, आज वह बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फल फूल रहा है। और आज के समय में बालक इसमें पूरा एंजॉय लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है, उनका देश की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने बिखरी हुई विरासतों को जोड़ने का प्रयास किया, इसलिए हम उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पापा